दिल्ली कांग्रेस पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। पीसी चाको प्रभारी पद छोड़ चुके हैं तो वहीं अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो चुकी है और अध्यक्ष विहीन कांग्रेस में हालात ये हैं कि अब तक पार्टी चुनाव में मिली हार पर भी मंथन नहीं कर पाई है, जिससे पार्टी में ही विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। और अब प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें हार के जिम्मेदार नेताओं का ब्यौरा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद नेताओं की तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वहीं कुछ नेता पद भी छोड़ चुके हैं। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और प्रभारी पीसी चाको पहले ही त्याग पत्र दे चुके हैं और उसके बाद से ये तल्खियां और भी तेज होती जा रही हैं। अब तीखी बयानबाजियों के बीच एक चिट्ठी चर्चा का विषय बन गई है। ये चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की ओर से बनाए गए प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने और इसे भेजा गया है पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों को ही नहीं बल्कि इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार नेताओं का ब्यौरा भी दिया गया है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि किस तरह से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा समेत उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ नेताओं ने दिल्ली इकाई को नियंत्रित किया हुआ था। कारगर प्रचार अभियान की रणनीति भी समय से पहले तैयार कर ली गई थी और ऑटो रिक्शा सहित दिल्ली में जगह जगह लगने वाले बड़े होर्डिंग्स का मैटर भी बना दिया गया था। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करने वाले जिंगल्स, स्लोगन्स एवं प्रचार गीत तक कागज पर उतार दिए गए थे, लेकिन नेताओं ने अड़चने लगाकर उन पर अमल ही नहीं होने दिया। चिट्ठी में टिकटों के गलत बंटवारे पर भी उंगली उठाई गई है और कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व के अहम की वजह से कई बड़े नेता घर बैठने पर मजबूर हो गए। यहां तक कि अगर पार्टी हित में अन्य नेताओं ने जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करनी चाहिए तो जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को उन बैठकों में आने से मना कर दिया गया। चिट्ठी में ये भी सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में कांग्रेस आज भी वापस खड़ी हो सकती है। पार्टी के पास कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी, जरूरत सिर्फ उन्हें संगठन से जुड़ा एक नेतृत्व देने और कांग्रेस को दुकान समझने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की है। वहीं कीर्ति आजाद की इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद सोनिया गांधी ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उनसे लंबी चर्चा की है और जल्द ही सुधार के मद्देनजर कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। अब ये सुधार कब होंगे और उससे कांग्रेस कितनी मजबूत होगी ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।